हेलो नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो ये वीडियोस है जुलाई महीने की। मेरे भाई को डेंगू हो गया था तो फिर मुझे बेंगलोर जाना पड़ा। गुवाहाटी से वापस आते ही इधर मैं अग्नी का प्रोजेक्ट कंप्लीट करा रही थी तो कुछ हुआ ही नहीं था क्योंकि भाई डेंगू की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। 5-6 दिन ऑलरेडी गुजर गए थे हॉस्पिटल में भाई के, तो फिर इमरजेंसी में जाना पड़ा क्योंकि उसके प्लेटलेट काउंटिंग कम हो रही थी। फिर टिकट करा लिया जल्दी से और चली गई। फर्स्ट टाइम एक तो अकेले ट्रैवल कर रही थी, वो भी फ्लाइट से, जो कि मुझे बहुत बड़ा फोबिया है, फिर भी मतलब करना ही पड़ा। ऊपर से अवनी की ऐसी हालत देखकर मुझे भी रोना आ रहा था, उसे छोड़ के जाने का मन नहीं था। लेकिन बेंगलोर में ऐसे डेंगू फैल रहा था कि मतलब क्या ही बताऊँ। तो फिर डर की वजह से उसको लेकर नहीं गए अकेले, और आदित्य जा नहीं पाते क्योंकि उनका तो स्कूल का काम चलता ही रहता है, चाहे हॉलीडे हो या समर वेकेशन हो, कुछ भी। तो इसलिए मन बहुत उदास था, मेरा भी और अवनी का भी। तो एयरपोर्ट तक छोड़ने मुझे मेरे देवर गए थे साथ। मुझे इधर क्लाइमेट देख के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि आज के दिन ही इतना ज़्यादा वेदर ख़राब होना चाहिए था क्या। वैसे फर्स्ट टाइम के लिए अकेले ट्रैवल कर रही थी, वैसे ही मुझे फ़्लाइट में बिल्कुल भी पसंद नहीं है जाना, लेकिन क्या ही करें। अभी जैसे जैसे वक्त नज़दीक आता जा रहा था उतना ज़्यादा मुझे क्या करें मतलब एंग्जाइटी हो रही थी। अवनी को छोड़कर आई थी इसीलिए बहुत ज़्यादा मन उदास भी था, और भाई को भी देखने जाना था क्योंकि वे हॉस्पिटल में था। इसी बीच कई सारे लोगों को मैंने कॉन्टेक्ट किया था बेंगलोर में जो मेरे जान पहचान वाले हैं, कुछ स्कूल के दोस्त, कुछ कॉलेज के, कुछ यूनिवर्सिटी के, और कुछ ऐसे ही जान पहचान नेबर्स। लेकिन कोइंसिडेंटली कोई भी उस वक्त बेंगलोर में था ही नहीं, क्योंकि कोई मिल ही नहीं रहा था मुझे एयरपोर्ट से भाई के घर ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि मेरी फ़्लाइट शाम को थी और मैं उधर रात में उतरने वाली थी, तो मुझे डर काफ़ी लग रहा था। फिर जैसे तैसे भगवान का नाम लेकर मैं फ़्लाइट बोर्ड करने चली गई। पहले के फ्लाइट से ट्रैवलिंग करने के एक्सपीरियंस से मुझे ये मुझे पता लगा कि मुझे मतलब मुझे कंफर्ट फील होता है अगर मैं कुछ खाती रहूँ तो, फिर एंजाइटी से कंफर्ट फील होता है। तो फिर मैंने अपनी एंजाइटी से निजात पाने के लिए काफ़ी सारा ड्राई फ्रूट्स ले लिया था, और चॉकलेट्स भी ले ली थी थोड़ी बहुत, और पानी भी ले ली थी। तो 1:55 को थी मेरी फ़्लाइट, तो तब तक लंच का भी टाइम हो चुका था। तो देखिए अभी स्टार्ट ही हो गया था, पूरा टेढ़ा टेढ़ा जा रहा था, मतलब एलिवेट कर रहा था, अभी सीधा हो गया। तो टर्बुलेंस बस देखिएगा आप लोग कि उसी दिन इतना ज़्यादा टर्बुलेंस हुआ कि मैं क्या ही बताऊँ। वैसे ही डर जाती हूँ और ऊपर से टर्बुलेंस, लेकिन फिर भी एक अच्छी बात क्या हुई, तो वहाँ पर दो कपल थे जो मतलब एल्डरली कपल्स थे, और एक डॉक्टर अंकल थे, मतलब एजेड डॉक्टर थे। तो वो लोग सारे मुझसे इतनी ज़्यादा बातें कर रहे थे, तो फिर मुझे ज़्यादा फील ही नहीं हुआ जर्नी का जो एंजाइटी है। उन्हें शायद पता लग रहा था मैं डरती हूँ, ये देख देख के। देखिए मैंने अपना विंडो सीट भी चेंज करा लिया था। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं किस तरीके से मतलब टर्बुलेंस हो रहा था बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी देर तक, लगभग 1.5 घंटे तक ऐसे ही टर्बुलेंस होता रहा। वैसे कैप्टन ने हम लोग को मतलब सारे पैसेंजर को बता ही दिया था कि टर्बुलेंस होगा, वेदर अच्छा नहीं है। जब ज़मीन दिखने लगी तब मुझे शांति पड़ेगी कि हाँ अभी उतरने वाले हैं। बेंगलोर में उतरते ही सबसे पहले एक ही ख्याल आया कि लास्ट टाइम सबके साथ आई थी, बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि हम लोग दिवाली में आए थे। तो सबसे ज़्यादा मैं अपनी को मिस कर रही थी क्योंकि वो उतरने के बाद इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो ये सब कुछ ही याद आ रहा था अपनी के बारे में, सबके बारे में। और लास्ट टाइम भाई भी लेने आया था तो हम सारे थे, सारी जगह वो सेम ही थी, बस मैं अकेली थी, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और अपनी को छोड़ कर आई थी तो और कितने दिनों तो पता नहीं रहना पड़ेगा, ये सोचकर बहुत ज़्यादा मन में मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था और उनको मन कर रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, भाई को देखने आई थी। जैसे कि मुझे पता था एयरपोर्ट पर कोई लेने आने वाला नहीं है, तो फिर सबसे पहले तो एक ही बात याद आई कि मतलब कैसे जाऊँ और कैसे कैब बुक करूँ ये सब। तो सबसे पहले मैं गई जहाँ से कैब मिलती है, फिर कैब बुकिंग करके मैं भाई के यहाँ पे चली गई। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।